पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके का। अभी तो सामने जो है उस पर ही हम लोगों का फोकस है, जब बाकी चीजें आएंगी उस पर हम लोग जरूर उस पर संज्ञान लेंगे। जोहार नमस्कार। झारखंड में चल रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट में आपने देखा होगा किस प्रकार से मार्ग कुटैया का बढ़िया बंदोबस्त होता है। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। मारपीट के जरिए सारे आंदोलनों को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और जो आंदोलनकारी हैं वो भी मन बना के जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मारे ना खाएंगे, खाएंगे मार मगर अपनी बात मनवाएंगे। और इसी सिलसिले में बीते दिन हमने देखा कि झारखंड में जो सहायक पुलिस लगभग महीने दिन से आंदोलनरत थे वो जाकर के मुख्यमंत्री को घेरने आवास के पास पहुँचे, जबरदस्ती पे आए। उसके बाद वहाँ आवास की सुरक्षा में लगे हुए जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसे समझाने का कोशिश किया, रोकने का कोशिश किया, मगर जैसे ही सहायक पुलिसों ने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया तो इनके सब्र का बांध टूट गया। और उसके बाद ले लाठी, ले आंसू गैस, रेल रबड़ की गोली, पानी की बौछार, दम भर मार। और ये बात अभी चर्चा में बनी ही हुई थी कि एक दूसरा जत्था आ गया और ये जत्था था झारखंड के सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे एक समय पारा शिक्षकों का। पारा शिक्षक भी आए उसी अंदाज में, उसी तर्ज पर कह दिया कि जैसे सहायक पुलिसों ने यहाँ पर तंबू गाड़ दिया है हम भी तंबू गाड़ देंगे, अगर सहायक पुलिसों का मार हुआ है तो हम भी खा सकते हैं मार। लीजिए भाई, जैसी जिसकी इच्छा पूरी करते हैं हेमंत सोरेन। पहुँचे थे घेराव करने के लिए, उसी अंदाज में पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और उसके बाद दे दनादन लाठी की मार। सारे पारा शिक्षकों में से कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो फिलहाल अस्पतालों में कराह रहे हैं, किसी की हड्डी टूटी, किसी का माथा फटा, किसी के अंग प्रत्यंग से बह रहा है खून। सिलसिला यहीं रुका नहीं है दर्शकों, अब झारखंड भर से पंचायत समिति और प्रमुख आ रहे हैं धरना देने के लिए। इनका क्या होगा अंजाम, अब ये भी आंदोलन यहाँ पर करेंगे। अब जरा सा सुन लेते हैं इनके आंदोलन के पीछे की असली कहानी क्या है। पंचायत समिति का ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो SVNN झारखंड के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पंचायत समितियों का अपना एक दर्द है कि इन्हें बहुत ही कम मानदेय मिलता है और साथ ही साथ जब ये विकास के कार्य करते हैं तो इनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। वही 300 फीट का रोड बनाने के लिए जहां पर मुखिया को मिलता है 3.5 से 4.5 लाख तक की धनराशि, उसे पंचायत समिति को महज 2.5 लाख से भी कम राशि में पूरा करना पड़ता है। और जो मानदेय और भत्तों में इनके साथ भेदभाव किया जाता है वो तो है ही अपनी जगह। तो ये भी अलग अलग कोनों से मन बना करके आएंगे। अब इनके साथ हेमंत सोरेन सरकार का कैसा रवैया हो गया, क्या इनके साथ भी सहायक पुलिस और पारा शिक्षकों की तरह से बर्ताव करेगी सरकार, या फिर आगामी आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसे ध्यान में रख करके इनके साथ जरा नरमी और जरा सतर्कता से पेश आएगी, क्योंकि हर एक जनप्रतिनिधि के पीछे जनता का समर्थन है। ये भी उसी प्रकार से जनता के वोटों से निर्वाचित होकर के आए हैं जिस प्रकार से विधायक और सांसद होते हैं। तो आइए आने वाले समय में देखेंगे कि पंचायत समितियों और उनके जो अध्यक्ष है प्रखंड के, प्रखंड प्रमुख, उनके साथ कैसा रवैया रहता है। हेमंत सोरेन सरकार का ऑपरेशन ऑल आउट चलता है या बात होती है समझदारी की।